भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ का भंडार है। ये जो भी बोलते हैं केवल झूठ बोलते हैं। मैं पॉइंट वार आ रहा हूं, आज मैं इनकी पोल खोलूंगा किस तरीके से झूठ बोलते हैं। एक तो जो आदरणीय खड़गे साहब ने बोला वो स्वाभाविक है, हम लोगों ने भी बचपन से कई पिक्चरें देखी हैं। अक्सर जो हीरो होता है वो विलन के बारे में बोलता है और तालियां बजती हैं। विलन मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, उनकी नीतियों को जरूर कह रहा हूं, जिन नीतियों के चक्कर में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिन नीतियों के चक्कर में रेलवे की संपत्ति बिकी जा रही है, एयरपोर्ट बिके जा रहे हैं, पोर्ट बिके जा रहे हैं, जिन नीतियों के चक्कर में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, जिन नीतियों के चक्कर में मणिपुर जल रहा है, और जिन नीतियों के चक्कर में पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उन नीतियों के खिलाफ बोला है। अब जहां तक सवाल आया महमूद हमारे विधायक महबूब अली का, हमने आपको भी वीडियो भेज दिया है, हमने आपको भी अमित भाई वीडियो भेज दिया है, और इनके बीजेपी के प्रवक्ता को भी हमने वीडियो भेज दिया है। वो ये कह रहे हैं, आप सुनिएगा और देश को बताइएगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं कट पेस्ट करके कोई वीडियो चल जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झोला टांग करके आते हैं और गांव में प्रचार करते हैं कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, अब भाजपा की सरकार बचने वाली नहीं है। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने बोला तुम्हारा राज खत्म, मैंने आपको भेज दिया, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ गई है मुसलमानों की इतनी कि और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बड़े का भी नहीं था, 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं थी। 2027 में आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। उन्होंने बोला कि अब मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि योगी आदित्यनाथ को जाना ही होगा। एक मुश्त, उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था कि एक मुश्त वोट पड़ेगा तो हार जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और हमने देखा वोट जिहाद की आपने इस बार ये अपील करी, जिसका सर भी वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा वोट पड़ा भी साजन जी की पोल में। अमित भाई आप देश के बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि असली वीडियो मैंने आपको भेजी है, फेक वीडियो देश में चल रही है। उन्होंने कहा लंबे झोला टांग करके लोग आते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, अब योगी की सरकार बीजेपी की सरकार चली जाएगी। आप इसको चेक करा ली। और दूसरी बात, जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये बोला कि साजन जी मैंने बात सुनी है, आप ही को जवाब देना है। दूसरा झूठ सुन लीजिए, पहले इसका एड्रेस हो जाए, साजन जी मैं समझता हूं और मैं हमेशा कहता हूं समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छे बोलने वाले प्रवक्ताओं में से एक है, हालांकि आपको उठवाने की बात कभी कभी कर लेते, पर साजन जी का ही आज मैंने क्लैरिफिकेशन देखा कि समाजवादी पार्टी ऑफिशियली अपने आप को डिस्टेंस करती है इस बयान से। अगर यह बयान इस संदर्भ में था तो आपने डिस्टेंस क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, पीडीए की बात आप कर रहे हैं, 370 लागू करके जो वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला आरक्षण का छीनने की बात करने वाली कांग्रेस एनसी के अलायन के साथ आप खड़े हो, और आरक्षण की बात जामिया एमयू से आरक्षण हटाने वाले वो कर रहे हैं। 30 सेकंड सर, ओके सुनील यादव 30 सेकंड। देखे अमित भाई, जी देखिए अमित भाई, ये सच बात है कि जो सहजाद भाई कह रहे हैं कि जब सुबह बाइट हुई और जब पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर के ये बात कह दी है, तो मैंने डिनाई किया। हमने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म के बढ़ने पर किसी को नहीं हराना चाहते, क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नफरत बढ़ी है, बीजेपी का भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए पीडीए बदल रहा है, इसलिए देश बदल रहा है। फिर मैंने अपने नेता से बात की जिनका बयान था, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, वो वीडियो मैंने आपको भी भेजा है कि सच क्या है। भाजपा आरएसएस के लोग इस तरीके के षड्यंत्र करते हैं, जैसे अभी एक खबर आई कि जो अयोध्या रेप कांड में समाजवादी पार्टी मोइन खान को ये लोग बदनाम कर रहे थे, डीएनए रिपोर्ट हुई और वो पॉजिटिव नहीं आई है, उसके नौकर की आई है, यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं नवाब, लेकिन घर आपने गिरा दिया नवाब यादव, आपने बुलडोजर चला दिया नवाब यादव, तो थोड़ा सा साजन जी नवाब यादव पे तो आपने बोला था, और बेटी का चरित्रहरण नवाब जी, चरित्रहरण बेटी का, बेटी क्या करने गई वहां पे, कौन रोक रहा है, बेटी का नार्को कराओ, ये जूही सिंह, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलता हूं, करना मजबूरी में बोलना पड़ा। आपको लग रहा है कि जो बयान है आपके नेता महबूब अली का,
वो बयान के आप सपोर्ट में हैं, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, और आप कह रहे हैं कि पूरा उनका भाषण सुनाइए, उस पूरे भाषण में कुछ और तात्पर्य आ रहा है, लेकिन उन्होंने, मैं आपसे जो शब्द बोल रहा हूं आप उसको डिनाई करिए कि उन्होंने नहीं बोला, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ गई है, मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में वो आ जाएंगे। अब उसके आगे ये काम तो मुगलों के बस का नहीं था, जो 850 साल हुकूमत कर गए उनकी हैसियत कुछ नहीं थी, तुम भी 2027 में जरूर जाओगे और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। अब बताइए ये बोला कि नहीं बोला? सही, अब मैं बोलूं, देखिए नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस देश में 800 साल मुगल रहे वो नहीं टिक पाए, 200 साल अंग्रेज नहीं वो नहीं टिक पाए, तो बीजेपी क्या टिकेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 27 में आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है इसलिए भाजपा हारेगी। उन्होंने ये बात, उन्होंने कहा कि झोला एक्सपोज कर दूंगा, लोग आते हैं नहीं 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 नहीं, देश जी आप 10 सेकंड दीजिए मुझे, आप अपनी बात कंप्लीट करो। लंबे लंबे झोला चांद करके लोग आते हैं, विवेक कमेंट ऑन दिस, मनोज नागर वांट्स टू कमेंट ऑन दिस, ओके ओके, और ये भाजपा 15 सेकंड, शहजादपुरा वाला 15 सेकंड। साजन जी ने बोला कि ऐसी बातें जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करते हैं उसने नहीं की, मैं आपको उदाहरण सहित, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब बता दीजिए कि मठाधीश और माफिया केवल ये नहीं, अफजाल अंसारी एक ट्रक लोड गांजा चाहिए महाकुंभ में, अमित जी माफ करना मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर क्या हज के विषय में ऐसी बात कही जा सकती? नहीं कहनी चाहिए। वेटिकन में जो कांग्रीगेशन होता है कही जा सकती? नहीं कहनी चाहिए। अफजल अंसारी का भी बयान मैं सुनाना नहीं चाहता, एक अफजल अंसारी की क्या औकात है कि वो महाकुंभ में जमा होने वाले हमारे साधु संतों को ये कह दे कि वो चर्सी गांजा करने वाले लोग हैं? बताइए साजन जी, आपकी पूरी पार्टी का चरित्र है, और केवल पूरी पार्टी का नहीं, वो राहुल गांधी बोलता नाच गाना हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा में, बोलने की हैसियत है, द्वारका में नाटक हो रहा था, मैं बता रहा हूं, नहीं बताइए आप प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था क्या? अमीश भाई ओके, अब इनको शांत करा दीजिए, शांति हूँ। अमीश भाई, हमारे नेता ने कई बार कहा है कि हम लोग जो योगी लोग होते हैं उनका सम्मान करते हैं, और योगी की परिभाषा बताई, कोई योगी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई योगी जाति देख करके एनकाउंटर नहीं कराता, कोई योगी जाति देख करके पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं छीनता, कोई योगी बांटने काटने की बात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करती, और योगी आदित्यनाथ में ये एक भी गुण नहीं है। तो जो हमारे नेता ने कहा कि अगर मठाधीश भी माफिया जैसा दिखेगा तो उसको माफिया ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब? मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किए, जो योगी है ही नहीं, शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किए, योगी हो जाता है इस देश में, लाखों मठ है, आप पहनने से इस देश में मठ से हम लोग प्रेरणा पाते हैं। अब योगी को गाली दो, अब बीजेपी को गाली दो, भगवा पहनने से कोई योगी नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो गोरखनाथ पीठ के महंत है कि नहीं है? उस गद्दी के महंत कौन है? योगी आदित्यनाथ है, अवैधनाथ जी के बाद वो गद्दी योगी आदित्यनाथ को मिली कि नहीं मिली? और आप कह रहे हैं कि कोई महंत नहीं होता, हम कह रहे हैं, अरे हम स्वीकार कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवा कपड़े डालने वाले नहीं है, योगी आदित्यनाथ की शिक्षा दीक्षा एक महंत वाली है, नहीं वो विरासत में पाए हैं, विरासत के महंत हैं, विरासत में महंत हैं, विरासत में पाए हैं गद्दी, और दूसरी बात मैं कह रहा हूं इससे बड़ी,